हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज होम में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, क्योंकि हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू में बहुत सारी चीजों का खुलासा किया है। तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बातें सुर्खियों में रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर से इस सिलसिले में पंजाब पुलिस कई दौर की पूछताछ भी कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने भी लॉरेंस बिश्नोई से इस हत्याकांड के बारे में भी सवाल जवाब किए हैं। अब खुद लॉरेंस बिश्नोई ने न्यूज चैनल एबीपी को दिए साक्षात्कार में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अपनी संलिप्तता के बारे में खुलकर बातचीत की है। उसने इंटरव्यू में दावा किया कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह राजनीति में आ सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि बलकौर सिंह अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं। उनकी शिकायत पर पंजाब पुलिस ने बहुत से ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जिनका सिद्धू मूसेवाला की हत्या से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बलकौर सिंह को धमकाने के सवाल पर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उसकी ओर से ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई है, किसी और ने ऐसा किया हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि बलकौर सिंह मेरे बड़े जैसे हैं, हमने कभी सिद्धू मूसेवाला की फैमिली को निशाना नहीं बनाया, वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान सिद्धू मूसेवाला का जिक्र करते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हमारे भाइयों की हत्या कराने में उसका हाथ था, हमारा उसकी फैमिली से नहीं बल्कि उसके साथ मतभेद था, उसने हमारे भाइयों को मरवाया था तो रिएक्शन में हमारे भाइयों ने उसको मार दिया होगा, हमारा उसके पिता के साथ कुछ लेना देना नहीं है। उसने कहा कि बेटा मर गया उसके बाद भी रैलियां निकाल रहे हैं, हो सकता है उन्हें राजनीति में आना हो, इलेक्शन लड़ना हो। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी आरोप लगाया है कि सिद्धू मूसेवाला के पिता का कुछ लोगों के साथ पैसों का लेन देन भी है जिसकी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने लगभग 50 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया है। अगर यह केस सीबीआई के पास चला जाए तो इनमें से 10 लोग भी जेल में नहीं रहेंगे और 1800 पन्नों की चार्जशीट बना दी है। सीबीआई जांच हो तो अधिकतर लोग छूट जाएंगे। उसने कहा कि मैं सिद्धू मूसेवाला की तरह नहीं हूं। मैं तो पाकिस्तान के भी खिलाफ हूं और खालिस्तान के भी खिलाफ हूं। मैं एक नेशनलिस्ट आदमी हूं और मैं ही नहीं, मेरी गैंग के सभी लोग देशभक्त हैं। जो देश के खिलाफ हैं हम उनके खिलाफ हैं। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू के दौरान कुछ ये खुलासे किए हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दिए गए इस इंटरव्यू को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।